नीचे उतर जाइए। यहाँ पे माननीय अध्यक्ष और एमपी साहब को छोड़ करके जितने सिविलियंस हैं सारे पीछे उतर जाइए। कौन यहाँ पे नहीं रहेगा, सारे सिविलियंस नीचे उतर जाइए। सारे लोग इंक्लूडिंग सबको नीचे उतारिये। सारे जामताड़ा जिला के नाला ब्लॉक अंतर्गत हनुमान चौक पर नाला से मोनाबाद सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे विधानसभा स्पीकर रविंद्र महतो और दुमका सांसद सुनील सोरेन के समर्थकों के बीच नोकझोंक हो गई। दोनों समर्थक आपस में ही भिड़ गए। प्रशासन के काफी मशक्कत के बाद भी समर्थक आपस में झगड़ा करते रहे। अंत में स्पीकर महोदय को ही खड़ा होना पड़ा और उन्होंने जनता जनार्दन को शांत करवाया। कार्यक्रम के दौरान स्पीकर ने कहा कि सड़क विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, सड़क के माध्यम से ही विकास की रूपरेखा की तस्वीर बनाई जाती है, सड़क ना हो तो किसी भी क्षेत्र का विकास मुमकिन नहीं। वहीं सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि 2022 तक शहर से लेकर गांव के सभी गरीबों और कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को पक्का मकान दिए जाने का लक्ष्य है। इस दिशा में काफी तेजी से काम चल रहा है। जामताड़ा से शशि जोशी की रिपोर्ट। इन तमाम चीजों का व्यवस्था नहीं होता है, उस क्षेत्र को हम लोग पिछड़े क्षेत्र के रूप में मानते हैं। दुर्भाग्य से हमारे क्षेत्र में इस परिपाटी का निर्वहन करने का अपील मैं आप तमाम लोगों से करता हूँ। साथ ही आज चिर प्रतीक्षित नाला से मोहनाबाद रोड के संयोग से जामताड़ा जिला के उपायुक्त महोदय भी हम लोग उपस्थित है। गांव की सड़कें जो है मुख्य सड़कों से नहीं जुड़ पाई है, इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बात बिल्कुल सही है, जैसा सुविधा प्राप्त हो इस विषय पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का दृष्टि गांव में भी है। सर देखा जा रहा है कि गेड़िया से जो जामताड़ा जिला के लिए जो सड़क है पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, उस पर अभी तक कोई भी विकास का काम नहीं शुरू हुआ। मैं आपको बता दूं, उस सड़क का भी डीपीआर निर्माण हो चुका है, जैसे ही वित्तीय उपलब्धता हो जाएगा उस सब सड़क का भी टेंडर होगा और उस सब सड़क का भी निर्माण कराने के दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।